आलू दम की रेसिपी कुछ शादियों स्टाइल का आलू दम की रेसिपी। ये रही हमारी एक कप शादी स्टाइल आलू दम की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं कैसे उसको बनाते हैं। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जितने भी न्यू वीडियो बनाएं सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की आलू दम की रेसिपी। 500 ग्राम आलू लिया है, उसको उबाल कर उसका छिलका भी निकाल लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुत अच्छे तरीके से उबल चुका है, इसका छिलका को भी मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। तो ऐसे ही अब हम सारे आलू को उबाल कर छिलका निकाल लीजिए आप लोग भी। तो आलू के लिए यहाँ पर मैंने मसाला भी बना लिया है। तो मसाला बनाने के लिए मैंने लिया था 5 टमाटर मीडियम साइज के, 3 मीडियम साइज के प्याज और 10 से 12 कली लहसुन के, 2 से 3 इलायची, 4 पीसेस लौंग के, 10 से 12 काली मिर्च। और इन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे ग्राइंड कर लिया है। तो आलू का जो मसाला है मतलब जो पेस्ट है वो भी मैंने यहाँ पे बना लिया है। तो अभी मैंने गैस पे कढ़ाई को भी रख लिया है, कढ़ाई गर्म होने देते हैं। हमारा जो कढ़ाई है वो गर्म हो चुका है, अब तेल डालेंगे। जो मसाला पेस्ट किया था उसको मैंने यहाँ पर डाल लिया है। टर्मरिक पाउडर 1 चम्मच, कसूरी लाल मिर्च 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर। और इसको और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए हम यहाँ पर 1 चम्मच पनीर मसाला डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और थोड़ा खट्टा टेस्ट के लिए चाट मसाला 1 टेबल स्पून आप इसको जरूर डालिएगा, इससे खट्टा खट्टा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो मसाला है वो रेडी हो चुका है। तो आलू को हम मैश करने वाले नहीं हैं क्योंकि हम शादी में जैसे बनाते हैं उस टाइप में आलू का बनाने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर आपको देख सकते हैं बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस लिए हैं, आपको छोटे छोटे पीसेस लेना है और मैश बिल्कुल नहीं करना है। उसको हम 1 से 2 मिनट के लिए और चलाएँगे। अब ये हो चुका है 1 से 2 मिनट, यहाँ पर हम आलू को डाल देंगे इसमें और इसको 1 से 2 बार अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ज़्यादा पानी डाल सकते हैं वरना कम पानी भी डालिए। इसको 1 से 2 बार ऐसे देखिए मिक्स करेंगे। अब हम आलू और सारे मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और अब हम इसको पकने देंगे अच्छे तरीके से। तब पानी का क्वांटिटी 1/4 ना हो जाए तब तक हम इसको पकाएंगे। हमें जो फ्लेम है वो मीडियम ही रखना है और हम इसमें बारीक कटे हुए धनिया पत्ते ऐड करेंगे। धनिया पत्ते ऐड